हेलो एवरीवन, सो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और जिस तरीके से मैं आपको डेली बेसिस पर सजेशंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे हैं, जो श्योर शॉट है, यहाँ से 100% आपके आने ही वाले 100% कॉमन क्वेश्चन है जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। यहाँ से क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे एग्जाम में। सो उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से अपने डेली बेसिस पर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और जो ये करना भाई, अगर मेरा काम तो आपको प्रोवाइड करना, मैं आपको अपने तरफ से प्रोवाइड कर रहा हूँ, है ना। अब आप इसको प्रैक्टिस करना आपके हाथ में है, तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, ये मैं उम्मीद कर सकता हूँ इस चीज की। सो कौन कौन डेली बेसिस पर प्रैक्टिस कर रहा है मेरे लेक्चर्स को देख करके, भाई नीचे कमेंट करके आप प्लीज मुझे बताएं, ठीक है। बाकी आज के लेक्चर जो हमारा है, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं अपने लाइफ साइंस के बारे में। तो लाइफ साइंस में जो भी इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज है आपके, उसके बारे में डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज पूरे तरीके से। और ये 100% कॉमन है, यहाँ से एमसीक्यूज एग्जाम में रहने ही रहने वाले हैं। सो आपको इतना तो इंश्योर करना है कि भाई जो मैं अभी के टाइम पे करा रहा हूँ, इन एमसीक्यूज को आपको मिस नहीं करना है। बाकी आपने जो पहले से कर रखा है, वेल एंड गुड। अगर आपने कुछ भी नहीं किया, देन ये आपके लिए मोर देन इनफ होगा अभी लास्ट टाइम पे कर लेने के लिए, ठीक है। सो के बिना किसी इंतजार के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आमिर, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई पर। हम लोग बात कर रहे हैं लाइफ साइंस की इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। सबसे पहला चैप्टर यहाँ पर जो है डिस्कस करने के लिए हमारे पास है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो इसमें हमारे पास टोटल 5 यूनिट्स आते हैं नीचे, तो 5 यूनिट्स का मिक्स यहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेगा, जो अप्रोक्स 35 है, जो 5 यूनिट से मिक्स करके निकाला गया है, ओके। देन पहला क्वेश्चन यहाँ पर, मूवमेंट ऑफ रूट्स टूवर्ड्स अ सोर्स ऑफ वाटर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम उसको? सो सिंपली आपको पता है कि वाटर की तरफ जब मूवमेंट होता है तो उसको हाइड्रोट्रॉपिक बोलते हैं। आप इस वर्ड से भी याद रख सकते हो, हाइड्रा, हाइड्रा हम लोग यूज करते हैं वाटर के लिए, तो हाइड्रोट्रॉपिक। कलर चेंज करते हैं इसका, रेडी ठीक रहेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमोट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ प्लांट्स फाउंड इन, केमोट्रॉपिक किस में मिलता है? सो यहाँ पर वोल्वोक्स फंगी वगैरह कोई नहीं, फन में केमोट्रॉपिक मिलता है सिंपली। विच टाइप ऑफ मूवमेंट इन प्लांट इज कॉल्ड स्लीपिंग मूवमेंट? स्लीपिंग मूवमेंट इसमें हम लोग किसको स्लीपिंग मूवमेंट बोल सकते हैं ये बताओ। तो स्लीपिंग मूवमेंट हम लोग सिंपली यहाँ पर बोलते हैं निक्टिनास्टिक मूवमेंट को, क्योंकि आपको पता है ये आपका रात में सो जाता है प्लांट, इसमें ऐसा प्लांट नहीं सोता, वो मूवमेंट ही कुछ इस प्रकार से मालूम पड़ता है कि भाई सो गया, ओके। सो नेक्स्ट है द हार्मोन कंट्रोल ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट। ट्रॉपिक मूवमेंट आपको पता है कि ऑक्सीजन कंट्रोल करता है। साइटोकाइनिन हार्मोन फाउंड इन, कहाँ पे पाया जाता है साइटोकाइनिन हार्मोन? आपको बेसिकली कोकोनट मिल्क में आपको मिला था। Then next, seedless fruits are formed in presence of hormone. किसके presence में बनता है? So ये ऑक्सीजन के presence में बनता है। और बाकी आपका अगर आप देखोगे तो जिबरलिन नहीं, इसमें जिबरलिन काम नहीं करता, ऑक्सीजन का ही यूज होता है। The hormone control germination of seeds, ये कौन है? जिबरलिन ही है इसका कंट्रोल करता है। बताओ सही कहा कि नहीं मैंने? सही कहा, मैं गलत कैसे कह सकता हूँ, मजाक करूं, छोड़ो। The condition caused by hypersecretion of growth hormone in adults is called hypersecretion of growth। growth hormone अगर बहुत ज्यादा हो जाता है तो उस केस में क्या बीमारी होगी आपको, उस केस में जो प्रॉब्लम होता है उसको हम लोग गिगांटिज्म बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन अगर हाइपर सेक्रेट कर लिया तो, ठीक है। देन आगे हो गया हमारा, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी का स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है? तो वो है आपका पिनाइल बॉडी, पिचिट्री पिनाइल बॉडी उसके पास में रहता है। Then the disease caused due to deficiency of ADH. ADH के deficiency में होता है diabetes insipidus. Name the gland which has exocrine and endocrine functions. इसके पास मतलब दोनों का ही function, exocrine and endocrine. तो इसका answer simply आपका है pancreas. यहाँ इसके पास दोनों का ही function है. Which hormone increase heart rate? Heart beat क्या increase करता है आपका? कौन सा hormone increase करता है? So ADH hormone. Next question, which of these is a salt balancing hormone? Salt balancing hormone कौन है? तो मिनरल कॉर्टिक एसिड। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज अ सॉल्ट बैलेंसिंग हार्मोन? सो ऑप्शन नंबर ए हमारा है सॉल्ट बैलेंसिंग हार्मोन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। सो क्वेश्चन नंबर 14, बीटल सेल्स ऑफ द एसलेट ऑफ लैंगरहंस सेक्रेट्स, क्या सेक्रेट्स करता है बीटल सेल्स? तो ये सिंपली हमारा इंसुलिन सेक्रेट्स करता है। देन बीटा सेल से इंसुलिन होता है, अल्फा सेल से ग्लूकागोन रिलीज होता है। ACTH इज सेक्रेटेड फ्रॉम, ACTH कहां सेक्रेट होता है? ACTH एड्रेनलिन से सेक्रेट होता है, बोलो? नहीं, पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेट होता है। डक्टलेट्स ग्लैंड्स यहां पर कौन है? तो एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेट्स होता है, इसके पास नली नहीं होती है। विच ऑफ द फ्लोइंग डिसऑर्डर्स कॉज द पेशेंट टू प्रोड्यूस अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ यूरिन? इसमें से कौन सा ऐसा प्रॉब्लम जिसमें यूरिन बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में रिलीज होता है? डायबिटीज इंसिपिडस में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंट्रासेप्टिक पिल इज, कंट्रासेप्टिक पिल सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सो वो हमारा प्रोजेस्ट्रोजोन है। द नेम ऑफ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरोन या फिर नर्व? बताओ, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए आप लोग।
कि न्यूरॉन करके आया कि नर्व करके आया, तो आपको न्यूरॉन करके आना, नर्व करके नहीं आना यहाँ पर। देन क्वेश्चन नंबर 20, द मेलिन सीथ इज ऑब्जर्व्ड ऑन, मेलिन सीथ कहाँ पर ऑब्जर्व किया था, ये तो भाई न्यूरॉन पे मिलता है, न्यूरॉन में कहाँ मिलता है ये बताना होगा, न्यूरॉन में बहुत सारा पार्ट्स है, सो सिंपली ये हमको आपको मिलेगा एक्सोन ऑफ सम न्यूरॉन्स, कुछ न्यूरॉन के एक्सोन से मिलता है, सभी न्यूरॉन के एक्सोन में ये नहीं होता है, सिंपल यहाँ पर ऑप्शन देके कंफ्यूज करेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन ह्यूमन बॉडी, इसका सिंपली आंसर आपका स्पाइनल नर्व कितना है, 31 पेयर्स है। देन नेक्स्ट, हाउ मेनी क्रैनियल नर्व्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, इसका आंसर मुझे जहां तक याद है 33 पेयर्स होना चाहिए, है कि नहीं, बट वो होता नहीं, याद रहने से क्या होता है, सही याद होना चाहिए, तो इसका आंसर 12 पेयर्स होता है। हाँ, मेरे कहने पर मत जाओ, हर जगह में सही नहीं हो सकता। नेक्स्ट, 10th कैर्नियल नर्व ऑफ ह्यूमन बॉडी, 10वें नंबर पर कौन सा कैर्नियल नर्व है ये आपको बताना, 10वें नंबर पर आपका वेगस है। Then, which of the following nerves control eye movement? Eye movement कौन control करता है? So, eye movement यहाँ पर example क्या कहते हैं? Oculomotor है, trochlear है and abducens है। तो इसमें से कौन हमारा है जो control करता है? इसमें से simply जो चारों आदमी है, चारों ही control करते हैं। इसलिए all of the above एक option है। Left side of the body is controlled by, left side किसके जरिए controlled होता है? Right cerebellar hemisphere के जरिए controlled होता है आपका। Which one is a mismatch? इसमें से आपको ढूंढना है कि कौन सा mismatch है। Okay, so hypothalamus 10 प्रीमेच्योर कंट्रोल वो सब तो वो करता है, इसमें से मिसमैच जो मुझे दिख रहा है वो सिंपली आपका है लास्ट ऑप्शन जो कि ऑल्फैक्टरी लोब, ये कलर नहीं, ये होता नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी यहां पर एक मिसमैच है। नेम एन एफरेंट नर्व, एफरेंट नर्व का नाम बताना है, एफरेंट नर्व कौन सा यहां पर, सो एफरेंट नर्व सिंपली ओक्यूलोमोटर है। देन 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, व्हाट इज द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ अमीबा, सीरोपोडिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंसुलिन हार्मोन सेक्रेटिंग ग्लैंड इज, इंसुलिन हार्मोन तो पैनक्रियास से निकलता है आपका, ये तो पता ही होना चाहिए, एकदम कॉमन क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन नंबर 30, द पार्ट विच मेंटेन्स बैलेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, सो ह्यूमन बॉडी का जो बैलेंस है वो सेरिबेलम बनाता है। नेक्स्ट, इन ह्यूमन आई द ब्लाइंड स्पॉट कंटेंट्स, ब्लाइंड स्पॉट में क्या होता है, रॉड सेल्स होता है, कॉर्न सेल्स होता है या फिर दोनों होते हैं, बताओ। सो ब्लाइंड स्पॉट पे जो है आपका ना ही तो रॉड सेल होता है, ना ही तो रॉड सेल होता है, ना ही कॉर्न सेल, भाई दोनों में कोई भी अगर रहता तो ब्लाइंड स्पॉट ही क्यों होता है, सिंपल सी बात है, कोई नहीं रहता है। मायोटोम मसल्स आर, मायोटोम मसल्स क्या है आपके, किस तरह का शेप इनका, तो मायोटोम मसल्स का शेप वी होता है, वी शेप्ड होता है ये लोग। विच वन इज नॉट फ्लाइट मसल ऑफ बर्ड्स, इसमें से कौन एक बर्ड्स का फ्लाइट मसल नहीं है, सो इनका आंसर सिंपली होगा आपका डायफ्राम, डायफ्राम जो है आपका ये नहीं होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, सो यहाँ से तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, आइए सेल डिवीजन से बातचीत कर लेते हैं। द टर्म जेन वाज कॉइंड बाय, टर्म जेन किसके जरिए दिया गया था, जेन टर्म दिया गया था हमारे जोहानसेन के जरिए, उन्होंने बताया था भाई द टू क्रोमेटिड्स ऑफ ए क्रोमोसोम आर यूनाइटेड बाय, किसके जरिए यूनाइट होता है, तो ये लोग हमारे सेंट्रोमेर के जरिए एक साथ जुड़ जाते हैं, आरएनए यूरासिल रिप्लेसेस, यूरासिल ने किसको रिप्लेस किया, से आपको पता है थायमिन ने थायमिन को रिप्लेस किया यूरासिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोसोम वाज फर्स्ट नेम बाय, क्रोमोसोम को सबसे पहले किसने पुकारा था, तो क्रोमोसोम को सबसे पहले पुकारा था डब्ल्यू वेल्डेयर ने। उसके बाद नंबर 5, हु हैव कंस्ट्रक्टेड 3-डायमेंशनल डबल हेलिक्स डीएनए मॉडल, ये किसने कंस्ट्रक्ट किया था, तो ये सिंपली वाटसन एंड क्रिक ने कंस्ट्रक्ट किया था। व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर इन ह्यूमन सोमाटिक सेल, ह्यूमन के सोमाटिक सेल में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, सो ये होते हैं पेयर्स की बात हो तो 23 पेयर्स होते हैं, 46 मत मार के आ जाना तुम लोग, 46 नंबर्स हैं, पेयर्स में बात करेंगे तो टोटल 23 होते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमेयर क्रोमोसोम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स, व्हिच वन इज मिसमैच्ड, इसमें से कौन सा एक मिसमैच्ड है। अच्छा एक मिनट, सेंट्रोमेयर के पोजीशन के अकॉर्डिंग क्रोमोसोम को 4 पार्ट्स में बांटा गया है, तो इसमें से कौन सा एक मिसमैच है, मतलब ये देखना होगा भाई कौन सा एक ऐसा पार्ट नहीं है उसका। सो इसमें सिंपली देखो एसेंट्रिक होता नहीं है आपका, मेटा, ये हमारा मेटासेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक का सब मेटासेंट्रिक होता है, बट एसेंट्रिक का कोई नाम होता नहीं, तो ये हम लोग इसको हटा देंगे। द एग्जांपल ऑफ जायंट क्रोमोसोम इज, यानी कि बड़ा क्रोमोसोम, तो यहाँ पर ये लैम्ब्रस क्रोमोसोम है कि नहीं, इसके बारे में पता भी नहीं था, वही आंसर हो गया। वेयर डज ए माइटोसिस इज नॉट ऑगर्ड, इनमें से कौन सा ए माइटोसिस नहीं होगा, किसमें, कारा चारा हो गया, हाइड्रा हो गया, अमेबा हो गया, ईस्ट हो गया, तो इसमें सिंपली जो हमारा हाइड्रा है इसमें ए माइटोसिस नहीं होगा। नेक्स्ट, माइटोसिस टेक्स प्लेस इन ऑल द सोमैटिक ह्यूमन सेल एक्सेप्ट, किसमें नहीं होगा भाई, इन चारों में से सब में होता है, लेकिन इन चारों में से कोई एक आदमी जहां पे नहीं होगा माइटोसिस आपका। सो माइटोसिस सिंपल आपका नर्व सेल में नहीं होगा, बाकी सब जगह होगा, नर्व सेल से दुश्मनी उसका। विच वन इज नॉट एसोसिएटेड विद फेज ऑफ सेल साइकिल, इसमें से कौन है जो सेल साइकिल नहीं, एस होता है, G1 G2 सब होता है, बट डी स्टेज नहीं होता है सेल साइकिल में। स्पेंडल फाइबर्स आर अपीयर्ड इन एनिमल सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन दी स्टेज,
स्पिंडल फाइबर कब अपियर होता है आपका? स्पिंडल फाइबर आपको याद होना चाहिए कि मेटाफेज में अपियर हो जाता है कि प्रोफेज में, बताओ तो बताओ, मेटाफेज, मेटाफेज में होता है, मेटाफेज में। देन द फेज ऑफ माइटोसिस इन विच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर कब होता है? सो लास्ट में रीअपीयर होता है आपका कब, बताओ, एनाफेज में कि टेलोफेज में, जल्दी बताओ, टेलोफेज में, अभी तो बोला लास्ट, लास्ट और टेलोफेज होता है वहां पे रीअपीयर हो जाता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन, इन विच फेज इन माइटोसिस द क्रोमोसोम्स रीच इक्विटोरियल रीजन ऑफ सेल, मेटाफेज, इक्विटोरियल रीजन में मेटाफेज में आ जाते हैं। देन उसके बाद क्वेश्चन, इन विच स्टेज ऑफ माइटोसिस द क्रोमोसोम ऑफ, अब इस तरह के देखो चार शेप में आ जाता है, वी जे एल आई सेड, ये हमारा एनाफेज में ये सारे फेज शेप्स आपको देखने को मिलेंगे सबका सब। वन मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेज ऑफ माइटोसिस स्पैंडल फाइबर्स अपीयर, स्पैंडल फाइबर्स, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये तो मेटाफेज ही है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग सिंपली, द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस, द एंड पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड, एंड पार्ट टेलोमेयर बोलते हैं हम लोग उसका, और क्या ही बोल सकते हैं। लास्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेल प्लेट्स आर फॉर्म्ड, सेल प्लेट्स कब बनता है? साइटोकाइनेसिस में बनता है सेल प्लेट्स, जब क्रोमोसोम का डिवीजन हो रहा होता है तब, वो भी कब, जब प्लांट्स में होता है। इन मियोसिस नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक्सचेंज इज कॉल्ड, मियोसिस में जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का एक्सचेंज होता है उसको हम लोग क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। रिप्रोडक्शन थ्रू बडिंग आर फाउंड इन एनिमल, किस में मिलता है आपको? इसका आंसर सिंपली हाइड्रा है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज फाउंड इन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में देखने को मिलेगा? फिश में। रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स आर फाउंड इन, रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स आर फाउंड इन, इसका आंसर आपको देखो फन में, फन में आपको रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा स्पोर्स के जरिए। देन उसका रीजनरेशन फाउंड इन, रीजनरेशन किस में? प्लानेरिया, अमेबा, यूग्लिना, पैरामोशियम, किस में? तो प्लानेरिया ही, सिंपल इसका आंसर है। बुलबिल्स आर फाउंड, बुलबिल्स किधर मिलेंगे भाई, किधर मिलेंगे बताओ तो? यहाँ मिलेंगे बुलबिल्स आपको, डाइसोक्रिया में। नेक्स्ट है एडवेंटिटियस बर्ड्स आर फाउंड, ये तो ब्रायोफाइला में मिलते हैं ना जहाँ तक मुझे याद है, हाँ इसी में मिलते हैं, आंसर कर देते हैं हम लोग सिंपली इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड, पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या बोलते हैं? ये थर्ड चैप्टर स्टार्ट है हमारा, उसको एलीले बोलते हैं, ये मैंने ऑलरेडी भी लेक्चर पढ़ाया तो उसे मैंने ऑलरेडी बता भी रखा है। देन व्हेन टू इंडिविजुअल्स आर सिमिलर इन एक्सटर्नल अपीयरेंस बट डिफरेंट इन देयर जेनेटिक मेकअप दे आर कॉल्ड, इसको हम लोग सिंपली बोलते हैं जीनोटाइप, फिजिकल अपीयरेंस आपका फिर से क्वेश्चन है। द टर्म जीन वाज कॉइंड बाय, ऊपर ही बताया था आपको अभी जॉनसन, तो ये आंसर हो गया। हाउ मेनी गैमेट्स विल बी फॉर्म्ड बाय, अब इसके थ्रू कितने गैमेट्स बनेंगे तो कैलकुलेट करना होगा आपको। यहाँ पर तीन डिफरेंट डिफरेंट एलेलेस दे दिए गए हैं आपको, सो जब तीन डिफरेंट एलेलेस है और अगर हम यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं कितना बनेंगे, हाउ मेनी गैमेट्स की बात करो तो गैमेट्स यहाँ पर ऐसे आठ ही बनेंगे आपके। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या इसमें होमोजाइगस, हेटरोजाइगस, फेनोटाइप, जीनोटाइप, जीनोटाइप होगा और क्या बताओ? विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स तो फेनोटाइप, क्योंकि फेनोटाइप से रिलेट करता है वर्ड फिजिकल से, तो फिजिकल अपीयरेंस ही तो हम लोगों को दिखता है ना, सो फेनोटाइप। हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स किन को बोला गया? सो प्यार से हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जोहान मेंडल को बोलते हैं। ओके, इन्हें बोल देते हैं। इफ हाइब्रिडाइजेशन इज मेड बिटवीन हाइब्रिड टॉल पी प्लांट एंड प्योर, एक मिनट उसके इधर लाते हैं। अच्छा, एक हाइब्रिड टॉल पी प्लांट है और एक है प्योर टॉल पी प्लांट है, इनके बीच में यहां पर आपको कराया गया है क्रॉसिंग ओवर, ओके, हाइब्रिडाइजेशन कराया गया है। द परसेंटेज ऑफ फॉल ऑफ टॉल ऑफ स्प्रिंग्स इन एफ1 जनरेशन माइट बी, कितना हो सकता है? एक पूरा देखो, एक तो ये प्योर टॉल है, एक हाइब्रिड टॉल है, यानी कि ये ठीक है, इन दोनों को क्रॉसिंग अपनी किताब में देख रखा है, तो इसमें हमारा सिंपल अपने को पता है कि भाई टॉल, सो 100% सभी टॉल होगा, यहाँ पर टॉल प्लांट्स का बात करें, परसेंटेज ऑफ टॉल ऑफ स्प्रिंग्स, तो 100% सब होगा टॉल। देन इफ हाइब्रिडाइजेशन इज मेड बिटवीन टू हाइब्रिड टॉल पी प्लांट द डॉर्फ पी प्लांट इन F1 जनरेशन इज, ओके, सो ये होगा 25%। The phenotype ratio of Mendel's monohybrid cross in F2 generation, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको याद भी रखना है, 3:1 होता है। Then next question, genes located on the same locus but having different expressions are, same location पर है but different expressions है, मतलब उनका जो appearance वो different हो रहा है, तो इनको हम लोग बोलते हैं multiple alleles। उसके बाद pairs of alleles that separate during gamete formation illustrate the pairs of alleles that separate during gamete formation के दौरान पे वहाँ पर वो separate हो जाते हैं, तो इनको बोला illustrate the
क्या इलस्ट्रेट करते हैं वो? तो ये सिंपली इलस्ट्रेट करते हैं आपके लॉ ऑफ सेग्रेशन जो कि यहाँ पर है, लॉ ऑफ सेग्रेशन। ओके, ऑप्शन नंबर डी था उनका आंसर। लास्ट हम लोग लास्ट बोलो सॉरी, इसका सेकंड क्वेश्चन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ ऑफ स्प्रिंग्स इज गिवन बाय दी, रिप्रेजेंटेशन किसके जरिए किया गया था यहाँ पर? सिंपली पुनिट स्क्वायर। ओके, pairs of alleles that distribute randomly in gametes without regard to other pairs of alleles illustrate the, so ये क्या illustrate कर रहे हैं यहाँ पर? ये आपको simply law of independent assortment के बारे में बता रहे हैं। Mendel's principles are related to heredity से relate करता है भाई, chapter ही उन्हीं की वजह से पढ़ रहे हम लोग। Then across between homozygous, recessive and heterozygous plant is क्या है? Across between homozygous, recessive and heterozygous plant is, तो इसका आंसर आप सिंपली यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं, टेस्ट क्रॉस। Which one is male sex chromosome set? So male sex chromosome क्या है यहाँ पर? So भाई हमारे पास XY chromosome है। Okay. Which one is Mendel's first law of heredity? Mendel's का पहला law था law of segregation. If hybridization is made to Mirabilis jalapa plants, one is pure red flowering plant are crossed with another white flowering. अगर एक लाल कलर का है दूसरा सादा कलर का है, so in F1 generation, F1 generation में आपको simply देखने को मिलेगा भाई all are pink flower plant. ये किताब में भी आपको दिया है, एक लाल एक व्हाइट है, जो रिजल्ट आ रहा है वो सबका सब पिंक आ रहा है। तो ये तो किताब का ही क्वेश्चन है, बना के दे दिया गया। चांसेस है भाई इस तरह के सवाल इस पर आने का, सो बी प्रिपेयर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन थर्ड चैप्टर का, इन मेंडल्स पी टॉल इज डोमिनेंट टू ड्वार्फ एंड येलो इज डोमिनेंट टू ग्रीन, ए प्योर टॉल येलो प्लांट इज क्रॉस टू अ प्योर ड्वार्फ ग्रीन प्लांट, व्हाट विल फेनोटाइपिक रेशियो ऑफ जनरेशन? तो ये सब किताब से ही सेंटेंस उठा करके बना दिया गया आपके। इसका आंसर सिंपली ये ऑप्शन नंबर डी 9:3:3:1। देन क्वेश्चन सॉरी चैप्टर नंबर 4 जो कि थोड़ा छोटा चैप्टर है, इवोल्यूशन एंड एडेप्टेशन। The term revolution was coined by, ये term आपको दिया था स्पेंसर के थ्रू दिया गया था। When did the earth was found? 4.5 billion years ago ही बने ना हम लोग अर्थ हमारा। Who wrote origin of life? तो origin of life जो बुक है ये लिखा गया था ओपेरिन के थ्रू। Theory of biogenesis means, तो theory of biogenesis जो सिंपली बोलते हैं living organism created by supernatural power of God, ये theory of biogenesis। Okay, भाई तो ये हमारे सिंपली क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैस, द इनिशियल एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ वाज कंपोज्ड मोस्टली ऑफ इनिशियली क्या था? हाइड्रोजन। द फॉसिल ऑफ वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सेल का फॉसिल कौन सा हमारे पास? ये स्ट्रोमेटोलाइट्स। ओके, देन नेक्स्ट स्ट्रोमेटोलाइट्स और अभी तो बताया भाई फॉसिल से सबसे पुराने, तो फॉसिलाइज्ड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। दी एग्रीड कंसेप्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट सेल ऑन अर्थ, क्या है एग्रीड कंसेप्ट? यानी कि सब जिसके बात से सहमत है, सो सी सबका मानना भाई समंदर में ही थे, पानी। द नेक्स्ट द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द प्रिमिटिव अर्थ वॉज द एबसेंस ऑफ, कौन सा इंपॉर्टेंट फीचर था वहां से एबसेंट कौन था भाई? इसका आंसर सिंपली आप यहाँ से याद रख सकते, ऑक्सीजन गैस। इवोल्यूशन मीन्स, इवोल्यूशन के मतलब क्या होता है? इवोल्यूशन सिंपल मतलब होता है चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ जेनेटिकली डिटरमाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स इन अ पॉपुलेशन ओवर टाइम। ओके, बड़ा डेफिनेशन दे दिया उठा करके। सॉल्यूशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड फॉर पॉलीपेप्टाइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स असेंबल्ड इनटू ड्रॉपलेट्स, और ड्रॉपलेट्स में असेंबल होने के बाद वो क्या करते हैं? कुछ नहीं, वो जो करते हैं उसको हम लोग ये बोलते हैं कुकरवेट्स। प्रोटीनोइड्स और प्रोटीनोइड्स क्या है हमारा? तो एबायोटिकली प्रोड्यूस्ड पॉलीपेप्टाइड्स। लेमार्क ने क्या किताब लिखी थी? लेमार्क लिखी थी फिलोसॉफी जूलॉजिक। नेचुरल सिलेक्शन वॉज प्रपोज्ड बाई, ये मैं देने वाले डार्विन साहब थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल हमारे पास, हु फर्स्ट यूज द टर्म स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस? स्ट्रगल करना होगा अपने वजूद को बचाने के लिए, ये बताने वाले हमारे साहब थे डार्विन। 19 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, द अर्लीस्ट नोन एंसेस्टर ऑफ हॉर्स इज यूहिपस। फॉसिल्स आर मोस्टली फाउंड इन, फॉसिल ज्यादातर कहां मिलते हैं आपको? तो ग्रेनाइट में। लेमार्क्स कंसेप्ट दैट सर्टेन बॉडी पार्ट्स बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स ड्यू टू, लेमार्क्स कॉम्प्लेक्स से कुछ बॉडी का पार्ट से बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, तो किसकी वजह? उन्होंने अपने सिंपली बोला था भाई इसमें यूज्ड मोर एक्सटेंसिवली देन अदर पार्ट्स, अगर आप ज्यादा उसको यूज करोगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। ओके, लेमार्क्स कंसेप्ट दैट द जिराफ हैज लॉन्ग नेक बिकॉज, उससे क्या बोला क्यों है? तो भाई उनका थ्योरी है शॉर्ट नेक्ड वी आर एलिमिनेटेड बाई कैटस्ट्रोफ्स। देन डार्विनियन कंसेप्ट दैट द जिराफ हैज लॉन्ग नेक बिकॉज,
द कंसेप्ट सीधा है, इट्स एंसेस्टर्स स्ट्रेस देयर नेक्स टू गेट फूड, सिंपल, गर्दन लंबा करते करते गर्दन लंबा हो गया। ऑन्टोजेनी रिपीट पॉलीजेनी वॉज प्रपोज बाय, अब ये थ्योरी किसने प्रपोज किया था कि ऑन्टोजेनी रिपीट करता है पॉलीजेनी को, तो हैकल ने। विच वन इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ मैन, इनमें से कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है मैन का, तो सेकेंड मोरल टीथ, सेकेंड जो मोरल टीथ है वो सिंपली वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है भाई, अभी भी काम कर रहा है वो, ऐसा क्यों भगा रहे हो सब चीजों को तुम लोग। द फ्लिपर ऑफ वेल एंड द विंग्स ऑफ बर्ड्स आर, क्या है वो, किस टाइप के ऑर्गन्स है, तो वो होमोलोगस ऑर्गन्स है। द एडेप्टिव फीचर विच इज नॉट फाउंड इन सुंदरी प्लांट, कौन सा फीचर नहीं पाया, तो उसमें तो विविपोरस जर्मिनेशन नहीं मिलता है। सनकेन स्टोमाटा इज प्रेजेंट इन, सनकेन स्टोमाटा हमारा सिंपली प्रेजेंट होता है कैक्टस में। लास्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, जो कि हमारे पास सिंपली द ऑर्गन एब्सेंट इन पेशेंट टू एड इन फ्लाइट इज, उड़ने में मदद करता है बेचारे को बट नहीं करता है, बट वो नहीं उड़ पाती है, तो उसका आंसर सिंपली गॉल ब्लैडर। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट द चैप्टर नंबर 5, इट्स रिसोर्सेज एंड देयर कंजर्वेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जहाँ से ज्यादा मार्क्स के, सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन इसी चैप्टर से आते हैं। ओके एक बार इसको जूम करते हैं हम लोग, जूम हो जा सिम सिम, हाँ जूम हो गया सिम सिम। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट ए अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, इसमें से कौन सा अमोनिफाइंग बैक्टीरिया नहीं है, पहला वाला ही नहीं है, बाकी सारा तो हमको दिख ही रहा है। विच वन इज नॉट ए माइक्रो न्यूट्रिएंट, इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट मैग्नीशियम नहीं है। द बैक्टीरिया दैट रिसाइड इन द रूट नोड्यूल ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट इज, लिग्यूमिनस प्लांट के कहां पर है भाई, नहीं होते तो सीडोमोनस होता है, वहां पर रिसाइड करता हूं। ओके द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन, ओके वन मिनट, एक छोटी सी गलती हो गई, गलती ये, द बैक्टीरिया डाइट रिसाइड इन द रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, ये सीडोमोनस नहीं होगा, बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया, राइजोबियम होता है इसका आंसर। ओके ठीक है, द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज अबाउट, कितना होता है ये हम लोग सिंपली, एक मिनट इसको ऊपर करो, इसका आंसर यहाँ 77 हुई, तो मैं ढूंढ रहा कि भाई 70 प्लस का ऑप्शन ही नहीं है। ब्लू ग्रीन एल्गी इज ऑल्सो नोन एज, ब्लू ग्रीन एल्गी हम लोग उसका दूसरा नाम भी है, सो ब्लू ग्रीन एल्गी का दूसरा नाम हम लोग सियानो बैक्टीरिया रखे हैं, उनको प्यार से बोलते हैं सियाना, मतलब सियानो जो भी बोलो पियानो। विच वन इज नॉट ए डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, इसमें से कौन एक डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नहीं है, तो ये वाला हमारा अनाबेना, जो कि काम में काना बेना जो भी है अनाबेना। नाइट्रोजन इज एन इसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ ऑल, नाइट्रोजन इसेंशियल कॉम्पोनेंट से ऑफ ऑल सबका, यहाँ पर आंसर ऑफ ऑल क्या, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन फैट्स ग्लूकोज क्या, तो ऑफ ऑल प्रोटीन्स, प्रोटीन आंसर इसका सिंपली। देन एक्सेस नाइट्रोजन थ्रू फूड एंड ड्रिंक कॉजेस ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये भाई डिसीज एक तरह का ब्लू बेबी सिंड्रोम कॉज होता है, बहुत ज्यादा एक्सेस आप कंज्यूम कर लोगे नाइट्रोजन को। तो विच वन इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, इन चारों में से ग्रीन हाउस गैस कौन है, तो ऑक्सीजन हमारा प्यारा सा आदमी है, ये नहीं है वो नहीं रहता तो हम सांस कैसे लेते, ऑक्सीजन रहता होता है कि नहीं। एसिड रेन प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय, एसिड रेन प्रॉब्लम जो है, सो एसिड रेन प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सिंपली इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर, अच्छा ऊपर ऑप्शन दिया गया, तो ऑप्शन नंबर आप सी चेक कीजिएगा, जो कंट्रोलिंग द सल्फर कंट्रोल ऑफ फ्यूल कोयल एंड दूसरा आपका कंट्रोलिंग द इमिशन ऑफ स्मोक्स फ्रॉम फैक्ट्रीज, ये दोनों कंट्रोल करेंगे तो एसिड रेन रोक सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर होगा सिंपली आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम चेक करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एयर पोल्यूशन इज इनकरेक्ट, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर लीड्स टू राइज इन, ये क्या भाई इससे कोई रिलेशन तो है नहीं एयर पोल्यूशन का, लीड ऑक्साइड मे कॉज डैमेज टू द नर्वस सिस्टम, यस ये है सल्फर डाइऑक्साइड, बाकी छोड़ दो दूसरा आंसर मिलकर नीचे आने की ठीक है। द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इन द स्ट्रेटोस्फीयर इज ऑब्जर्व्ड बाय, किसके जरिए ऑब्जर्व किया जाता है, ओजोन के जरिए किया जाता है और किसके जरिए। देन ब्लैक फूड डिसीज इज कॉज्ड बाय, ब्लैक फूड डिसीज किसके जरिए आपको होता है, तो ये होता है आर्सेनिक के जरिए। देन मर्क्यूरी पॉइजनिंग इन वाटर कॉजेस, मीनामाटा डिसीज है कि नहीं, मीनामाटा डिसीज होता है पानी में अगर यह है तो। एसिड रेन इज कॉज्ड ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ रेन वाटर विथ, रेन वाटर किसके साथ मिक्स करेंगे तो आपका ये होगा कार्बन डाइऑक्साइड। देन नेक्स्ट है स्ट्रेस एंड एंजाइटी आर कॉज्ड बाय, स्ट्रेस एंड एंजाइटी जो है आपका वो कॉज करता है किसके थ्रू, सो ये आपका इसमें बहुत सारी चीज होता है एयर पोल्यूशन, आप इसमें आंसर लगा सकते हो, इन चार पोल्यूशन में एयर पोल्यूशन उस चीज को कॉज करता है। इंक्रीजिंग एल्गल ब्लूम इन वाटर इज कॉल्ड, एल्गल ब्लूम का क्वांटिटी बढ़ रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग पेस्टिसाइड्स इज ए बायो एक्यूमुलेटेड इन फूड चेन, बायो एक्यूमुलेटेड होता है फूड चेन में आपका, तो इसका आंसर आपका सिंपली डीडीटी। ए पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इन ए फैमिली स्पेसिस कम्युनिटी टेरिटरी, क्या होगा इसका सिंपली होगा स्पेसिस। नेटैलिटी रिफर्स टू
द रेट एट विच द न्यू इंडिविजुअल्स आर एडेड, द रेट एट विच द इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन आर लॉस्ट बाय दैट, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिस रेट से वो लॉस हो रहा है इसको हम लोग सिंपली बोलते हैं मोर्टेलिटी। देन विच वन इज कॉल्ड नेचर्स किडनी, इसमें से हम लोग किसको नेचर्स किडनी बोलते हैं, नेचर्स किडनी हम लोग वेट लैंड को बोलते हैं। अस्थमा इज, इसको एजा पड़ता है, अस्थमा इज मेनली काउस्ड बाई एयरबोर्न डिसीज, आपका और क्या है, हवा से ही होता है। विच इज नॉट ए हॉट स्पॉट, इसमें से कौन सा हॉट स्पॉट नहीं है, मुझे क्या पता, जहाँ नेटवर्क नहीं मिलेगा वही नहीं होगा, तो सुंदर बने से यहाँ पर है। इन सीटो कंजर्वेशन रिफर्स टू, इन सीटो कंजर्वेशन हम लोग किसको बोलते हैं, सिंपली कंजर्विंग स्पेसिस इन आर्टिफिशियल, सॉरी कंजर्विंग स्पेसिस इन नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट में ही रखना, वही हमारा हो गया इन सीटो कंजर्वेशन। 26 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका, हॉट स्पॉट इन एरिया, इन एन एरिया हैविंग, क्या होना चाहिए उस एरिया में जो हम लोग उसको हॉट स्पॉट बोलेंगे, कंजर्विंग स्पेसिस इन नेचुरल हैबिटेट, वही हो गया। देन बीटा डाइवर्सिटी मीन्स, बीटा डाइवर्सिटी हम लोग किसको बोलेंगे, बीटा डाइवर्सिटी सिंपली हम लोग बोलते हैं डाइवर्सिटी बिटवीन हैबिटेट्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर बीइंग थ्रेटेंड विथ, किसके जरिए उनको धमकी मिली थी, मतलब खतरा है बेसिकली वो आपका। सो 28 नंबर का ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर, पॉल्यूशन। देन अल्फा डाइवर्सिटी मीन्स, अल्फा डाइवर्सिटी का मीनिंग होता है डाइवर्सिटी विद इन वन हैबिटेट। ओके, एक सीटू कंजर्वेशन रिफर्स टू, एक सीटू कंजर्वेशन हम लोग सिंपली बोलते हैं कंजर्विंग स्पेसिस इन आर्टिफिशियल, मतलब वहां से उठा करके कहीं और ले जाकर रख देना आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट हैबिटेट में। विच वन इज नॉट एन, विच वन इज नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन, इनमें से कौन एग्जाम्पल नहीं है, तो सिंपल जूलॉजिकल गार्डन एग्जाम्पल नहीं है हमारा। ओके, विच वन इज नॉट ए मेगा डायवर्सिटी कंट्री, इनमें से कौन एक मेगा डायवर्सिटी कंट्री नहीं है, जो श्रीलंका नहीं है। 33 नंबर क्वेश्चन, विच टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू प्रिजर्व प्लांट सैंपल, एक मिनट, टू प्रिजर्व प्लांट सैंपल बाई कैरो प्रिजर्वेशन, इसमें से कितना टेम्परेचर आपको जरूरत पड़ेगा इस काम के लिए, तो सिंपली आपको चाहिए -190 डिग्री सेंटीग्रेड। 34 सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल इज ए, वेस्ट बंगाल में सुंदरबन आपका क्या है, सो वेस्ट बंगाल में सुंदरबन अगर आप देखने जाओगे तो वो सिंपली आपको पता चलेगा बायोस्फीयर, एक बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, सो यहाँ पर हो गया ये हमारा खत्म। सो होप के सारे क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे समझ में आए हो, मैं आपको एक्सप्लेन करने में कामयाब रहा हो। सो इतना सारा आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए एंड देन आपको जरूरत नहीं पड़ेगी भाई इससे ज्यादा एमसीक्यूज और प्रैक्टिस करने के लिए, ये आप कर लो, ये मोर देन इनफ है आपका, एंड देन यहाँ पर ही कहानी खत्म होती है। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कर सकते हैं वीडियो पसंद आए तो, एंड एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अपने एक दोस्त के साथ प्लीज इसको शेयर कीजिएगा, अगर आप शेयर करते हैं तो मुझे लगेगा भाई मैं अपने मकसद में कामयाब रहा चीज़ों को आपको प्रोवाइड करने में। एंड देन वही एक छोटा सा बात जानकारी, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ से जाकर के आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो जो भी यहाँ पर क्वेश्चंस है। ओके, सो बहुत जल्द मिलेंगे हमने हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय।